हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी भड़तोली वाली सार में। वहाँ पे आज कौथी होने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि 7 तारीख से 15 तारीख तक हमारे गाँव में यज्ञ होने वाला है, तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं कौथी देखने के लिए। मम्मी भी यहाँ पर रेडी है। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो हम वहीं जा रहे हैं ऊपर, वहाँ के लिए बोलते हैं भड़तोली। और ये बावला भी हम वहीं ले जा रहे हैं, ये भी काम आएगा। हाँ, पता नहीं बावला बोट, पता नहीं क्या बोल, इतना पता तो हमको भी नहीं है दोस्तों, पर ले जा रहे हैं इसको, क्योंकि हम लोग भी पहली बार ही देखेंगे, तब पता होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस वहाँ वो, और आज शादी भी होने वाली है जगन पुरुष की। जगन पुरुष की शादी होती है, एक दिन में 7 शादियां होंगी दोस्तों। तो मजा पड़ी है बारात में जाना। हाँ, तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम भी रेडी हो चुकी है। ये देखो, हेलो गाइस, ये है ममता, शीतल, चुन्नू मुन्नू। हेलो, तुमको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर भड़तोली वाली सार में, और शीतल ने रखे हुए हैं हाथ में ज्योतिल, ये आएंगे हवन में काम। हम लोगों को जाना है वहाँ सामने भड़तोली वाली सार में, और अभी हम रोड पे आ गए, हमारी चाची मिल गए हमको। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। क्या होना है दोस्तों, अब 4 बजे मिल रहा है टाइम। कल भी नहीं देखा मैंने, मुझे तो पता ही नहीं यहाँ बनिया, तो इसीलिए आपको कल की वीडियो में भी निकाल पाए, मतलब परसों वाली में। परसों कहाँ से निकालना था, इतने सारे इतने मेहमान रखे थे, क्या बोलो, सच गई ही नहीं मैं। कृपया थोड़ा आगे से ऐसे ध्यान रखे की भंडारा भी खाए। अरे सनी, एक तो मुझे भी कौथी देखने दे, थोड़ा भंडारा खा के। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर कौथी देखने के लिए। सामने चल रहे हैं कीर्तन भजन, और यहाँ पे चल रहा है भंडारा, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पेट पूजा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए। यहाँ पे देखो, सबके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये देखा, छोले, पूरी और सूजी। पहले आओ पहले पाओ। चलो निकाल निकाल, तू भी निकाल, एक ही ना, इनके लिए निकाल ना, गुन्नू के लिए निकाल। अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं, और अगर आप लोग भी कभी हमारे गांव में आते हो इस बीच, मतलब 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में, अगर आप लोग माता के दर्शन करने के लिए आते तो भंडारा खा के जरूर जाए। 15 तारीख के बाद नहीं है, ठीक है, 15 तारीख तक आ सकते हो आप लोग। यहाँ पे हमें सतरा गांव के हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। हेलो, आपको तो पुफू बोलेंगे ना हम, हमारे गाँव के। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, हमारी वीडियोस देखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। चम चमे गोरा नाचे चम चमा।
अभी हम लोग ऊपर से कीर्तन भजन करके आगे हैं नीचे, और शाम के लगभग 5:30 अभी हो रहे हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज जगन पुरुष की शादी होने, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक शादी हो चुकी थी। और वैसे बताया गया था कि 7 शादी एक दिन में होगी, लेकिन 7 नहीं हुई। हम लोग इसी चक्कर में थे कि अभी 1 शादी हो रही होगी, तो 7 शादी होने में अभी टाइम है, तो हम लोग तब तक पहुँच जाएंगे, तो आप लोगों को दिखा देंगे। लेकिन आज 1 ही शादी हुई, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो वहाँ पर कीर्तन भजन चल रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर कीर्तन भजन करें, हमने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और बाकी कल भी शादी होगी, मतलब पूरे 7 तारीख, आज 8 तारीख, तो 8 तारीख से पूरे 15 तारीख तक शादियाँ होंगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल को। तो फिलहाल ये देखो कुछ ऐसी रौनक हो रखी है रोड पे, ये देखो सब बूढ़े लोग भी आ रहे हैं ऊपर से कीर्तन भजन करके घर की तरफ। चलो भाई चलते हैं अब। चलो यार पोपट हो गया, एक सरप्राइज दिखाएंगे हम आपको आज। क्या है सरप्राइज? आज मंदिर में एक सरप्राइज हमें भी मिलेगा। हाँ मैं भी देखूंगी। हाँ, सब भी। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आप लोगों को एक सरप्राइज दिखाने वाले हैं, तो ये देखो मंदिर के ठीक सामने देखो यहाँ पे त्रिशूल लग गया है, कितना बड़ा, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग गए। जय हो माँ चंडी का। ये देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। जय हो माता रानी, जय हो। माँ नारी देवी की कृपा आप सब लोगों पे भी बनी रहे। जय हो तुंगेश्वर भगवान, जय हो माँ नारी देवी। चलो भाई दर्शन हो गए, अब चलो चलते हैं। अब हम रोटी हमारे गांव के, और हमें बहुत टाइम बाद दर्शन मिले। यही तो होता है। सब योगो नजदीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया लोगों को। दादी बोल रही है मुंबई वाली कौन है वाली? ये है मुंबई वाली, मैं हूँ चश्मा वाली। सब योगो नजदीक है ना? नहीं योगो नजदीक है कांदा। जहाँ बैठेंगे जावा था जावा। इनके गले सूख गए होंगे तब से कीर्तन कर करके। ये लो भाई आइसक्रीम खाओ। ये लो चुन्नू मुन्नू गुन्नू कौन कौन है? कीर्तन तो हमने किए नहीं। ये लो चुन्नू, तुमने नहीं किए होंगे, मैंने तो किए भाई। और ये खा रही है जिसने एक भी कीर्तन नहीं बोला। इसका गला क्यों सूखा बिना बात का? है ये सिर्फ भंडारा खाने के लिए गए, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कम से कम वीडियो तो बनाई, तो क्या हुआ भंडारा खाना भी आई। तो अभी हम लोग आ रखे हैं रोड पे घूमने के लिए, और जैसे कि आप लोग देखते होंगे अक्सर मेरे हाथ में पावर बैंक, तो हमारे गांव में लाइट की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, क्या है बताएं, सुबह से लाइट ही नहीं है, तो इसलिए मैंने पावर बैंक साथ में ही रखा हुआ है। और मेरे साथ मेरे चेले चपाटे, मेरे बॉडीगार्ड, ये दोनों के दोनों हमेशा सेम कपड़े पहन के आते हैं, और शक्ल भी सेम। एक मेरे इधर साइड, एक मेरे इधर साइड, और ये छोटे छोटे बच्चे आगे से है ना, चुन्नू मुन्नो चुन्नू गुन्नो। तो यहाँ से इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना सामने से, देखो ये देखो। और आजकल ना मेहमान इतने सारे आ रखे हैं, रोड फुल है भाई, रोड फुल हो रखे है, जाम लगा हुआ। नॉर्मल डे में आता ना सब खाली, मतलब सिर्फ बुड्ढे बुड्ढे लोग मतलब रहते हैं। हाँ तो आजकल सबके घरों में मेहमान आ रखे हैं बनियाद देखने के लिए, और सामने से भी चाचा लोग आ रहे हैं, अभी मिलाएंगे उनसे भी। यहाँ पे हमारे चाचा लोग भी आ रहे हैं रोड से घूम के, देखो। हेलो चाचा जी। हेलो चाचा लोगों की टोली, हम लोग आ गए, तुम लोग जाओ। हाँ और एक टीम में जा रही है, ये देखो कपंदा से जा रही है, हम गए सीधे लास। हाँ, आजकल मेहमानों से भरी हुई है पूरी रोड, 1.5 किलोमीटर तो शहर बना हुआ आजकल। हाँ, ठीक है ओके। हाँ, ओके। देखो हमारे गांव में इंग्लैंड से बच्चे आ रखे हैं। हेलो, हिंदी आती तुमको? भाई मुझे तो लगा हमारे गांव में अंग्रेज आ गए भाई, इतने सुंदर सुंदर बच्चे। और कहाँ से हो तुम? दिल्ली। मुझे लगा इंग्लैंड से हो। अच्छा दिल्ली से आ रखे हो, बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा पहाड़ों में? अच्छा लग रहा है, दिल्ली के मौसम से तो ठंडा लग रहा होगा ना यहाँ। चलो ठीक है, बाय बाय। यहाँ पे अभी इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना, मैंने बहुत सारी फोटोज वीडियोस ले ली हैं, और ये मेरे पीछे पड़े हुए, पता है मैं व्लॉग बनाने में दे रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। सुधी क्या हजार हजार बोल रही हूँ, 10-15 वीडियो तो बना लिया। नहीं नहीं भाई, व्लॉग भाई, व्लॉग व्लॉग के लिए कहाँ बनाया, व्लॉग के लिए है, व्लॉग के लिए टाइम। मैं आगे जा रही हूँ ना ममता, पीछे पीछे आ रही है। कब दीदी फोन छोड़ेगी? वही तो हर फोटो ले रही हूँ, वाह क्या मस्त फोटो है। जो खराब फोटो भी आ रही है उसको बोल रही, नहीं मस्त फोटो है, मस्त फोटो है, ताकि वहाँ पे दोबारा ना, ताकि इसकी बारी जल्दी आ जाए। कुछ नहीं मैं खाली फोटो खींचो। देखो पीछे से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, तेरे को नहीं बोल रही हूँ पीछे से लोड़ी। पीछे का व्यू बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा है। चलो भाई अब तेरी बारी, और पीछे से देखो इतने सारे लोग आने को लगे हैं। नहीं तो फिर ममता की फोटो शूट नहीं होगा। घर पे आते ही यहाँ पे देखो हमारे सब्सक्राइबर आ रखे हैं हमको मिलने के लिए। हेलो नंद प्रयाग से आ रखे हैं। हेलो, कैसा लग रहा है आपको हमारे गांव में? बहुत अच्छा लगा, देवी के दर्शन करने के लिए आ गए। माता रानी ने और अपने गांव के सब लोग ला रखे हैं दोस्तों, इन्होंने हमारे लिए धूप ला रखे हैं ना, धूप घर भी बनाते हैं, घर में बनाते हैं हम लोग ना।
अच्छा नहीं, किस चीज से बनती है? धूप ही रहता हमारा, ये अगर पेड़ होते ना। अच्छा अच्छा, अगरबत्ती। बढ़िया बढ़िया, खुद बनाते हैं। धन्यवाद। समूह और क्या लेके आते? अरे ऐसा क्यों बोल रहे? आपका प्यार ही हमारे लिए काफी है, और आते रहना। अच्छा लगता है आपका वीडियो ना। धन्यवाद। ऐसा लगता है क्यों नहीं आया होगा, जैसा हो रखा क्या लगा हो जाता है। धन्यवाद। ठीक है बेटा। जब हमारे मेहमान चले गए, हमारी सिंगर चाची अब पहुंच रही है। हेलो चाची, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, तो दोस्तों आजकल मेहमान भी आ रखे हैं, गौशाला भी जा रखी थी, देर हो गई। हाँ। लेकिन मुझे तो मिल गए थे, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई उनके साथ। हाँ। और दोस्तों ये भी लाए वो हमारे लिए। दोस्तों ऐसे हाँ। लाने की जरूरत क्या है, वैसे तो हम मिल जाते हैं तो उसी में खुशी होती है। बात है, सब चाचियों के लिए ला रखे हैं। अरे ये मेरा है दोस्तों, ये धीरे बोलने वाली का है, उसके हम मेहमान आ रहे हैं दोस्तों। ये मेरा है, चाय वाली का भी है। सबकी पार्टी लगी दोस्तों, हम बहुत खुश हो गए देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलने ऐसे मत लाया करो, सच में जो मिलते हैं हमसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात। और एक लड़की का फोन मुझे आज वहाँ से बिहार से भी आ रखा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी लड़की थी वो, बात करने में बहुत सपोर्ट करती है हमको, हमारी वीडियो दूसरों को भी शेयर करती है, तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। सही बात है। बस यही बोलना चाहती हूँ, खूब सपोर्ट करो। सबके घरों में मेहमान आ रखे तो इतना मिलना भी नहीं हो पा रहा है ना। बहुत ही लोगों के लिए हो रखा है। और वैसे ये धूप हो गया ना, तो धूप से भी धुबड़ी धुबा धुप हो रही है हमारी। धुबड़ी धुबा धुप, कितने टाइम बाद बोला? दर्द हो रही है, धुबड़ी धुबा धुप। तेरी कहाँ से होगी धुबड़ी धुबा धुप? वहाँ कोठी देखने तो हम गए ऊपर, तो वहाँ धारे में थी। धारे नहीं, तब गई बाद में, दो कपड़े थे खाली। धारे में छोपड़िया ने, धारे में गई मैं धुबड़ी धुबा धुप। मुनिया से रखने का टाइम आ गया फिर से। फिर से आ गया दोस्तों, मैं नहीं निकालूंगी बिल्कुल भी नहीं, बिना मुनिया से मेरा सर। ऐसी और नीली स्वेटर में उतारूंगी नहीं बोल। आज फिर नीली स्वेटर है दोस्तों, जब मैंने दूसरी स्वेटर पहनी थी ये लड़की तब तक आई नहीं, फिर मैंने वही पहनी था ये लड़की। नहीं नहीं, अब मेरे को फोन करना जिस दिन दूसरी स्वेटर पहनोगे। ये स्वेटर आपकी वीडियो के लिए वो बाजार है, आगे भी रहेगी। सही बात है। तो यहाँ पे आजकल ममता और शीतल की ड्यूटी लगी हुई है रोटी पे, और सब्जी तो मैं बना देती हूँ। ये देखो इतनी बड़ी टोकरी बन चुकी है रोटी की, तो कैसा फील हो रहा है आपको आजकल? ये देखो पसीने से देख सकते हो, तर बतर। चलो शीतल को तो आदत है इतनी रोटी बनाने की, लेकिन ममता को कैसे लग रहा है? भाई मैं भी बनाती हूँ रोज। बनाती है ना, लेकिन इतनी रोटी सीधे एक साल बाद बना रही है ना, पिछले साल बनाया था। ममता बोलती होगी यार घर पे जाके इतनी रोटी बनानी पड़ेगी। मौका भी कभी कभी आता है। हाँ, तो मस्त करके यहाँ पे चूल्हे में बाहर पे रोटियां बन रही है। चूल्हे की रोटियों का तो स्वाद ही अलग रहता है, और बाकी अनमोल भी यहाँ पे मजे ले रहा है, आराम से देख रहे हैं।